अस्सलामुअलैकुम, इट्स एन एस आर मी लाउंज और आज हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली। और ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है हमारी और ये आप सुबह में इजीली बना सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। बच्चों को भी ज़रूर ट्राई करके दीजिए आप। चलें हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। आज हम बना रहे हैं ऑमलेट, एग ऑमलेट। इट्स बेसिकली चीज़ एग ऑमलेट, ठीक है। और इसमें जाएगा क्या, हमने ली है चीज़। आप मोज़रेला, चेडर चीज़ जो भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो है ये ब्लॉक फॉर्म वाली जो होती है इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जो शीट्स में आती हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम यूज़ करेंगे 2 अदद एग। हमने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया लिया है, हाफ ऑफ टमाटर लिया है और हमने अनियन ले लिया है एक स्मॉल। अब हमने इनको कट कर लिया है सबको और उसमें मैंने ऐड करना है रेड चिली पाउडर। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कीजिएगा, ठीक है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा चिली का यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मैं बच्चों के लिए स्पेशली बना रही हूँ तो उनको ज़रा मिर्ची कम ही देंगे। तो इसके अंदर हमने नमक भी ऐड कर लिया, ठीक है। और पिंच ऑफ हम इसके अंदर जो है गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, इट्स अ मैजिकल मसाला जो मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपी बताई हुई है। और हम इसके अंदर हम ऐड करेंगे एग। मैंने 2 एग लिए हैं, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम एग ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने इसमें एग ऐड कर दिया और अब मैं सेकेंड एग भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा ये देखें, दूसरा एग भी इसमें ऐड हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छे से करना है बीट। आप किसी भी बीटर से यूज़ कर सकते हैं, आप किसी फॉक यूज़ भी कर सकते हैं, आप काटा यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी स्पाइस ऐड किए हैं वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो, आपने खुद खाना हो तो वो ज़्यादा बेटर रहती हैं क्योंकि बच्चों के मुँह में आती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप ये यूज़ कर लीजिए। और हम इसी टाइम में इसमें ऐड कर देंगे अपनी चीज़ जो हमने ऑलरेडी कट कर ली थी। ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल टेस्ट डेवलप करता है। मैं थोड़ी सी चिलीज़ और ऐड कर रही हूँ इसमें, ये कम ना हो जाए, ठीक है। हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, ठीक है। और अब हम जो हैं तवे पे या पैन पे आप किसने भी बना सकते हैं। मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑयल मैंने इस पे ऐड कर दिया थोड़ा सा। और अब जो है हम अपना बैटर इसमें रेडी कर देंगे, ऐड करेंगे बस। मैं इसको अच्छे से स्प्रेड अप कर दूंगी, देखें आप, इट्स सो यमी, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसमें जो चीज़ का पार्ट है ना वो बहुत मज़े का लगता है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये जब मेल्टेड होगी तो इट बी अ यमी, बहुत टेस्टी बनेगा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से स्प्रेड अप कर रही हूँ। हम आंच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे वरना वो नीचे से कलर ले लेगा और कुछ नहीं। हम जो है डिस्पोजेबल स्पून यूज़ करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे रख रहे हैं अभी। फिर हम इसको टर्न करेंगे तकरीबन 1 मिनट वन साइड, देन टर्न आउट। अब ये देख रहे हैं आप, अब मैं इसको कर रही हूँ टर्न, ठीक है। टूटने का थोड़ा सा इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ मैं अपना वन हैंड यूज़ कर रही हूँ, द वन इज होल्डिंग माई सेल फोन। ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है, इतनी यमी लग रही है ना। आप चाहें तो इसको कवर करके भी बना सकते हैं, मैं इसको फोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ। वाओ इट्स सो यमी, ठीक है। मैं इसको फोल्ड टर्न कर रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जो है वो सही से इसको टर्न नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, इसको मैंने कर लिया है टर्न, ये थोड़ा सा मुझसे जो है ब्रेक हो गया है बिकॉज मेरा हाथ जो था वो थोड़ा सही से नहीं इसको टर्न कर पा रहा था, बट इट्स ओके, ये बहुत मज़े का लगता है, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए इसमें जो चीज़ का पार्ट है ना, इट्स सो अमेजिंग, बहुत मज़ेदार बनता है ये।
बस इट्स डन हो चुका है, हम इसकी फ्लेम को कर रहे हैं ऑफ और इसको हम जो है सर्व करते हैं। मैं उसको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। इट्स द फाइनल लुक और इसके ऊपर हम थोड़ा सा एट द एंड गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस करेगा। ये देख रहे हैं आप जो चीज़ है इसके अंदर, वाओ इट्स लुक सो अमेजिंग। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं इसकी लुक। वाओ ये इतना यमी बना है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा आप, ठीक है। ये देखिए आप, वाओ इट्स लुक लाइक अ पिज़्ज़ा। वाओ ये देख रहे हैं आप चीज़ बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।